हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अभी जस्ट मैंने अंशु का वीडियो देखा है और वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा था कि मुझे कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आना। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रोवर्सी में बच्चों को आना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों की फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। और जैसे कि अंशु ने पहले भी अपना कंसर्न जताया है कि मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं और मुझे अपना फोकस जो है वो अपनी स्टडीज पे करना है। और जहाँ तक रही सोशल मीडिया की, आई थिंक आप में से हर एक ऑडियंस यही चाहती है कि अंशु अपनी लाइफ में अपनी स्टडीज को लेके ज़्यादा फोकस रहे रेदर देन कि वो यूट्यूब की कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट बने। लेकिन अगेन एक और व्लॉग आया है और पूरे एक हफ्ते के बाद आया है। लास्ट व्लॉग आज से 6 दिन पहले का था और अब फिर से क्योंकि सपना ने पिछले 2-3 दिन से बहुत नॉर्मल व्लॉग करना शुरू कर दिया है। हालांकि सपना ने अपने जो लास्ट वीडियो में सवाल किया था, जो अंशु से पूछा था, इस पूरे व्लॉग में अंशु ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और आज भी अंशु की सुई रॉट पे ही अटकी हुई है। जबकि रॉड चैनल की सच्चाई ऑलरेडी खुद इनके घर के बड़े बता चुके हैं। हालांकि अब ये उस बात पे कितना भी लीपापोती करें, लेकिन इनके खुद के बड़े यानी कि मौसा जी ने खुद कमेंट सेक्शन में बकायदा ये बात लिखी है कि चैनल जो दिलाया गया है वो उनके बुआ फूफा जी के कहने पे अंशु को दिलाया गया है। ये स्टेटमेंट आज भी शायद अगर डिलीट ना हुआ हो तो आपके कॉमेंट सेक्शन में, आपको उनके कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सवाल सबूतों का तो खत्म ही हो जाता है क्योंकि घर के खुद बड़े जब इस चीज को बोल रहे हैं कि हाँ वो चैनल उनके बुआ फूफू ने अंशु को दिलाया है। लेकिन चैनल की बात बार बार बीच में लाने का मतलब क्या है? अभी जो लास्ट वीडियो सपना ने डाली, जिस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे सास ससुर का रिश्ता भी शर्मनाक हो गया, रिश्तेदारों का रिश्ता भी शर्मनाक हो गया क्योंकि बहू के लिए एक्चुअल ससुराल से कोई खड़ा होने नहीं आता, बहू के लिए शायद अपने आप ही बहू को खड़ा होना पड़ता है। उस सवाल का जवाब मांगा था अंशु से। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अंशु इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तो मुझे लगता है कि अंशु को साइलेंटली अपनी लाइफ में अपनी व्लॉगिंग लेके आना चाहिए था। लेकिन अंशु भी पीछे नहीं हट रही है, उसको भाभी से बराबर की टक्कर करनी है। जो सवाल खुद ये अपने 6 दिन पुरानी वीडियो व्लॉग में करके चली गई थी, क्या ये उस चीज को इग्नोर या मूव ऑन नहीं कर सकती थी? लेकिन एक नहीं, दो लोगों ने वापस से सपना को ट्रिगर करा है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपना ने जो अपनी बातों का जवाब मांगा था ना, वो अपने परिवार से मांगा था और बेसिकली उस इंसान से मांगा था जिसकी आंखों के सामने ये सब चीजें हुई थी, यानी कि अंशु से। वही जानती थी और सच्चाई सिर्फ उसी को पता थी, लेकिन कोई जवाब देने के लिए नहीं आया। जवाब देने के लिए पड़ोसी को भेजा गया, जो पड़ोसी क्या वो पड़ोसी 24 घंटे उनके घर के अंदर निगाहें डाल के रहता था, या वो पड़ोसी 24 घंटे उनका सीसीटीवी कैमरा चेक करता था कि इनके घर के अंदर क्या चीजें हो रही है? उस पड़ोसी को उन सवालों के जवाब के लिए मैदान में उतरना पड़ा, जो पड़ोसी दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है 24 घंटे की हलचल के बारे में जानता ही नहीं है। घर के चार दीवारी में बहुत चीजें चलती है जो हम पड़ोसियों से शेयर नहीं करते, जो हमारे घर के पड़ोसियों को पता नहीं होती, वो हमारे घर की चार दीवारी के अंदर की बातें होती हैं। लेकिन इतने गलत और इतने गंदे कॉज के लिए उस इंसान ने आके जो स्टैंड लिया, जिस तरीके से सफाई दी बिना सच जाने हुए, क्योंकि वो सच आपको भी नहीं पता था, वो सच जिसको पता था सपना ने उसको बोला था, और वो था अंशु का साथ, क्योंकि हर उस टाइम पे अंशु वहां पे मौजूद थी। लेकिन पहले यहाँ पे आगे किया गया पड़ोसी को कि वापस से सपना ट्रिगर हो, लेकिन सपना ने उन पड़ोसी को इग्नोर कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन चीजों को समझ पा रही है कि बार बार उसको ट्रिगर करने के लिए कभी मौसा, कभी पड़ोसी, कभी ये, कभी वो लोगों को भेजा जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि बाकी सबका फायदा हो रहा है, वीडियोज बन रही है, लेकिन नुकसान हो रहा है कि उसको जवाब दे के कहीं ना कहीं ट्रॉलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, उसको जवाब दे के कहीं ना कहीं डिप्रेशन में और पागल बनाया जाए, जबकि वो बार बार बोल रही है कि मेरे बारे में वीडियो बनाना बंद कर दो, मेरे टॉपिक को बंद कर दो, मेरे लिए बोलना बंद कर दो। और अब वापस से 6 दिन के बाद फिर से अंशु मैदान में उतर पड़ी है।
और जवाब वो नहीं लेके आई जो जवाब मांगे गए थे। अगेन घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आके बात कर रही है, वो है रॉड। इससे आगे भी बढ़ो, इससे आगे भी बढ़ो, क्योंकि कोई भी अब इन चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ऑलरेडी पता चल गया है कि वो चैनल किसके पास है, और वो खुद इनके घर के मौसा जी ने बता दिया है कि वो चैनल किसके पास है। अब लोग ये जानना चाहते थे कि सपना ने उस दिन जो बात बोली है क्या वो बातों में सच्चाई है, या तो उसका जवाब देना नहीं था। अगर अनकंफर्टेबल है, बच्ची के मुंह से ऐसी बातें अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन अगर देना था तो उस बात का जवाब देना था, अदरवाइज अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करनी थी। आज रोते हुए वीडियो बन रही थी, और उस दिन तूफान की तरह लताड़ते हुए वीडियो बन रही थी। कितना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उस दिन शायद ऑडियंस को इनका वो रूप देख के समझ में आ गया था कि बच्ची बच्ची नहीं रही। ये तरीका नहीं होता अपने बड़ों से बात करने का, भाभी समान माँ से बात करने का। इसे कहते हैं पूरा पूरा मुंह चलाना। पहले ये मुंह बच्चे घर के चार दीवारी में चलाते हैं, आप सोशल मीडिया पे चलाने आते हैं। उस वीडियो से एक एक उस वीडियो के 15-15 सेकंड के कट से ऑडियंस समझ गई थी। तो अब की बार रोते हुए आने की जरूरत क्या थी। अब तो सपना ने भी रोना छोड़ दिया है, उसके साथ जो घटना उसने भी बताई है ना, उस घटना में भी वो रोई नहीं है। अब तो उसने भी रोना छोड़ दिया है, तो इनको किस बात पे बेसिकली रोना आया, किस बात पे? और अगेन पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो भाभी पे बना दिया, जबकि ये टॉपिक, ये सवाल पिछले कई दिन पहले बंद हो चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको वाकई में भाभी से कंट्रोवर्सी करनी है, और एक तरफ बोला जा रहा है कि मुझे कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना। आज अपनी भाभी की करी हुई चीजें गिना के चली गई, अपनी भाभी के लिए करी हुई चीजें गिना के चलेगी। बोलते हैं कि जब आप किसी के लिए कुछ करो तो वो गिनाओ मत, जिस दिन आप गिनाने पे आ गए उस दिन आपने सामने वाले के लिए कुछ नहीं किया। आज इन्होंने अपनी भाभी के फ्रैक्चर वाला इंसिडेंट याद करा के ऑडियंस को फोकस करवाना चाहा कि जिस वक्त पे भाभी का पैर टूटा था उस वक्त पे मैंने भाभी की बहुत सेवा करी थी, एहसान नहीं करा था। अगर हम अपनी माँ के लिए कुछ करते हैं तो हम उन पर एहसान नहीं करते हैं, वो हमारी माँ है और हमारी सेवा डिजर्व करती है, वो हम एहसान नहीं करते हैं। बताओ अब बीमारियों में करीबी चीजें गिनाने की नौबत आ रही है, सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, या अपना प्यार उनके लिए प्रूफ करने के लिए, या अपनी लॉयल्टी उनके लिए प्रूफ करने के लिए। इस प्रूफ के गेम में ना जो सही और रियल इमोशन है ना, वो ऑलरेडी बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। भले ही आज सपना को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा है कि आप सब लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, और वो अभी भी वहां पे अकेली है। अकेली है, रोज अपने इमोशन से फाइट करती है, रोज अपनी जिंदगी से फाइट करती है, रोज सोशल मीडिया की ट्रॉलिंग से फाइट करती है, उसके बाद खुश रहने की कोशिश करती है। जो आपके पास है वो उसके पास है ही नहीं, और उसके पास कभी आ भी नहीं सकता। वो रोज इन चीजों से डील करती है, रोज अपने पति की कमी फील करती होगी, रोज उन बच्चों के पिता की कमी फील करती होगी, रोज हर वो इंसिडेंट याद करती होगी जो उसके साथ गुजरा है। उसके बाद आज अपनी भाभी के फ्रैक्चर को एक बच्ची गिनाने आई कि मैंने आपकी फ्रैक्चर में बहुत सेवा करी थी। और अब देखिए, दिल में जो इतनी सारी चीजें बहुत समय से भरी जा रही थी ना, इस बच्ची ने फ्लो फ्लो में आके अपने इमोशंस में खुद सब चीजें प्रूफ कर दी कि इसको तब से भड़काया जाता था भाभी के खिलाफ, तब से इसके कानों में ये बात डाली जाती थी कि देखो वो तुम्हारे लिए ये नहीं कर रही है, देखो वो तुम्हारे लिए वो नहीं कर रही है। एक इंसान अपने सही मेंटल जोन में नहीं है, जो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने आप अपना ना, अपनी व्लॉगिंग ना, अपना कोई काम ना, अपने आप का ध्यान, जो अपना नहीं रख पा रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बाकियों का ध्यान रखे। यहाँ पे अंशु जाते जाते अपने व्लॉग में ये भी बता के गई कि मेरा मांस फटा था और भाभी ने मना किया था कि ये मत बताना। मतलब अब ये एक और मुद्दा यहाँ पे छोड़ के गई है, एक और सवाल छोड़ के चली गई है कि भाभी ने मना किया था कि किसी को मत बताना कि जो मेरे पीठ में चोट लगी थी, जो मांस फटा था, वो कैसे फटा था। और उस वक्त पे 5 दिन के बाद भाभी अपने मायके चली गई थी, और उस समय पे मुझे सब सुना रहे थे, और मुझे तब फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैं जानती थी कि भाभी काम से गई थी। फर्क तो पड़ा था, और वो फर्क आज दिख गया, क्योंकि जिस चीज का हमें फर्क नहीं पड़ा होता वो चीज ना तो हमारे दिमाग में होती है, ना ही हमारे दिल में होती है। और हमारे दिल और दिमाग में वही चीज बैठी होती है जिस चीज का हमें फर्क पड़ा होता है।
इसका मतलब भाभी के लिए बहुत सारी चीजें दिल ही दिल में बहुत समय से चल रही थी, लेकिन भाभी को वो चीजें एक्सप्रेस नहीं की गई। जब हम किसी के साथ सच्चे और रियल बॉन्ड में होते हैं ना, तो अगर हमें उनकी किसी एक्टिविटी से हर्ट भी होता है ना, तो हमें उन्हें सामने बोलना चाहिए कि आपकी इस चीज़ से मुझे अच्छा नहीं लगा, आपकी इस वजह से मुझे हर्ट हुआ। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे वो वाला टॉपिक लाने का मतलब आप समझ रहे हो, फिर एक न्यू एक्सप्लेनेशन, फिर एक न्यू टॉपिक और फिर एक न्यू कॉन्ट्रोवर्सी। एक तरफ ये बच्ची को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ ये बच्ची इस कॉन्ट्रोवर्सी का एक पहलू देके चली गई कि आखिर मेरे पीठ का मांस कैसे फटा था, आखिर भाभी मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी, मुझे सब ने उस समय बोला था कि देख ये देख ये देख, और सच में सब लोगों ने आपको दिखाई दिया जो आपको वो दिखाना चाहते थे, उन्होंने आपको वो दिखाई दिया कि भाभी बदल गई। भाभी बदली नहीं है, भाभी की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, लेकिन भाभी आज भी बहुत प्यार करती है तुमसे। क्योंकि जो वीडियो आज आया है ना, शायद इस वीडियो के बाद कोई भाभी अपनी ननद से अपनी सेवा नहीं करवा पाएगी, क्योंकि आज अपनी भाभी के लिए करीबी छोटी छोटी चीज़ें गिना के सोशल मीडिया पे अंशु ने ये साबित कर दिया कि आप सच में भाभी से बहुत डिटैच हो चुके हो। अपना एक एक चीज़ भाभी के लिए करीबी आज याद है क्या? आज जो ये 16-17 साल की जर्नी तय कर ली है, उस जर्नी में भाभी ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा आपके लिए, जो उन्होंने आपके लिए चीज़ें करी होंगी, वो याद नहीं आया। भाभी के फ्रैक्चर वाले दिन अगर याद आए, तो आज इतनी बड़ी जो भाभी ने किया, प्यार दिया, दुलार दिया, अपने बच्चों की तरह रखा, उस माँ के एहसान को कभी कोई भी इंसान झुकला नहीं सकता, और माँ के एहसान कभी उस लायक होता ही नहीं कि वह पूरे कर पाए। बोलते हैं कि जन्म देने से ज़्यादा पालने वाले का हक होता है, और वो जिंदगी की शुरुआत आपकी भाभी के साथ आपकी हुई थी, और आज आप अपना भाभी के लिए करा हुआ टिप्स पे गिना के चली गई, लेकिन जो भाभी ने आपके लिए आपकी इस जर्नी तक पहुंचाने में किया होगा ना, वो आप भूल गई। सारा दिन मेरी अंशु मेरी अंशु मेरी अंशु वो करती हैं, इतने सुंदर आपके बाल, एक एक प्रमोशन, एक एक ड्रेस, आज जो ये करियर सोशल मीडिया पे बना है, वो करियर उस सब चीज़ों के पीछे भाभी की मेहनत थी, क्योंकि वो आपको लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहती थी। जो अपने बच्चों के लिए लिया, वो आपके लिए लिया, और सिर्फ वो 5 दिन याद रहे कि 5 दिन में भाभी मुझे छोड़ के चली गई, उसके अलावा जो इतनी जर्नी, इतने साल वहाँ पे निकाले, उन सालों में भाभी ने क्या कभी आपकी तकलीफ में आपका साथ और सपोर्ट नहीं किया? कि आज याद कर करके चीज़ें यहाँ पे गिनवाई गई हैं, याद कर करके, इसका मतलब कि भाभी को जवाब देने आई थी, रो के जवाब देने। अगर रियल इमोशंस होते ना, तो बिना शिकायत और शिकवे के आती, तो शायद आपकी दिल की बातें उन तक भी पहुंचती। अगर कहीं पे उनके दिल में थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है, तो शायद वो नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती, अगर प्यार से रोते हुए एक बार दिल से अपनी भाभी को पुकारती। लेकिन आज भी भाभी को अगेन सवालों के कटघरे में छोड़ के अंशु चली गई, अपनी बातें रख के चली गई, और भाभी को क्या समझाया नहीं, उनके ऊपर बातें रख के चली गई, फिर से उनको सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। कि भाभी ने अंशु के बुरे वक्त पे अंशु का साथ नहीं दिया, लेकिन जब भाभी का पैर टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, तो अंशु ने भाभी की बहुत सेवा करी। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में क्या क्या एक इंसान के साथ होता है। अभी तो ग्रोइंग एज है, अंशु की एक ग्रोइंग एज है। एक माँ के साथ ही लड़की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है जब वो अपनी ग्रोइंग एज में होती है, और इस ग्रोइंग एज में एक माँ का सपोर्ट और एक माँ की गाइडेंस एक बच्ची को कितनी ज़रूरी होती है। तब भी तो रोने के लिए कंधा भाभी की ढूंढती थी जब बदतमीजी उस घर में होती थी, उस वक्त भाभी सहारा देती थी ना, सपोर्ट करती थी ना, तो कैसे लोगों की बोली हुई बातें जो उस समय से लोग बोल रहे थे, आज ये बताने आए कि उस समय भी लोग मुझे ये बातें बोलते थे कि वो ऐसा कर रही है, देख उसने तेरे साथ ऐसा किया है, उसने तेरे साथ ऐसा किया है। वो लोग ये 365 की 24 घंटे की जर्नी उस घर में नहीं जीते थे, ये जर्नी तुम अपनी भाभी के साथ उस घर में जीती थी। और माँ से बच्चे कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि माँ की बराबरी बच्चे कभी कर ही नहीं सकते,
अगर माँ ने थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया किसी चीज़ के लिए, किसी कारण की वजह से नहीं भी देख पाई, तो माँ की बाकी चीज़ें करी भी भूलनी नहीं चाहिए। आज मुझे लगता है कि आपने अपनी भाभी को ना अपने से और ज़्यादा दूर कर दिया है। आज ये सब चीज़ें गिनवा के आपने अपनी भाभी को सच में आपसे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि वो भाभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद आपके साथ समय बिताने के लिए तड़पती होगी, आपके साथ दुख बांटने के लिए रोती होगी, आपके गोद में सर रख के रोती थी वो भाभी। जब उसका मन भारी होता था, सर भारी होता था, तो आपकी गोद ढूंढती थी, मेरी अंशु, और आपकी गोद में लेट के वो भाभी अपनी सारी तकलीफें शेयर करती थी, बात करती थी और हल्की करती थी। आज वो गोद भी उनसे छिन गई, और जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो रिस्पेक्ट और प्यार आज आपने गिनवा के वो भी ख़त्म कर लिया। कितना बुरा लगता है अगर एक बच्चा अपनी माँ से ये सवाल करे, अगर एक बच्चा अपनी माँ से सवाल करे कि तुमने उस समय पे मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन उस माँ ने बाकी क्या चीज़ें करी। वो बच्चा जब वो भूल जाता है ना, तो माँ का कलेजा फट जाता है कि वाह, आज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो मेरे से सवाल करने आएगा। इसका मतलब वो बच्चा कभी उस माँ का था ही नहीं, वो फालतू के मुँह में थी कि मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। आज उस बेटी ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया है सपना के प्यार पर, सपना के प्यार पर सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि वो दो तीन दिन से साइलेंट है। लास्ट वीडियो इसी बात के जवाब पे था, नहीं कंफर्टेबल था, नहीं बनानी थी, कोई बात नहीं। पहले एक पड़ोसी को उस वाले सवाल के जवाब के लिए भेजा गया जिस पड़ोसी ने सपना की ज़िंदगी जी ही नहीं, जो सिर्फ एक पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब घर के बाहर का इंसान। और उसके बाद जब उस पड़ोसी को इग्नोर कर दिया सपना ने, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद दोबारा से ये आई और दोबारा से वही रोड चैनल का माला जपने लगी, वापस से माला जपने लगी, फिर फ्रैक्चर वाली बात गिनवा के चलेगी, फिर मेरा मांस क्यों फटा था ये गिनवा के चलेगी। और उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी एंड नहीं बेटा, आपका खुद का फोकस डगमगा गया है, सच में फोकस डगमगा गया है। क्योंकि अगर फोकस स्टडी में होता ना, तो इग्नोर कर देती, जैसे पहले भाभी को ज्ञान दिया जाता था, भाभी क्या सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों को आप लेके बैठ जाते, इग्नोर करो, क्या हेट कमेंट्स पर इतना आप ध्यान देते हो, इग्नोर करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी ना, आज वो बड़ी बड़ी बातें, वो समझदारी वाली बातें कहाँ चली गई, क्योंकि वो समझदारी सिर्फ भाभी को ज्ञान में दी जाती थी, लेकिन वो समझदारी अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब बात अपने पे आती है ना, जब सवाल अपने पे खड़े होते हैं, तब बहुत बुरा लगता है, लेकिन फोकस कम्प्लीटली हट चुका है। और अगर ऐसे ही फोकस हटता रहा, तो फ्यूचर के जो बड़े बड़े प्लान्स हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वो वाला हिसाब हो जाएगा। हम अभी भी बोलेंगे, और मैंने पहले भी बोला था कि घर वालों ने चाहे किसी भी ज़िद से इन्हें चैनल दिलवाया हो, किसी भी ज़िद से, चाहे पैसा की ज़िद से या किसी भी ज़िद से, लेकिन इस लड़की के पास चैनल इसका भविष्य चौपट कर देगा। क्योंकि ये हर बार कंट्रोवर्सी के लिए वीडियो बनाने इस चैनल पे आएगी, और जब जब ये वीडियो बनाने आएगी, तब तब ये अपनी पढ़ाई से जयराम जी की करेगी, तब तब इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो चैनल हैंडओवर करना और उसे चलाने की भी एक एज होती है, और एज में इंसान जो चीज़ें करे वो सही होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इन पचड़ों की जस्टिफिकेशन देने इंसान आए, तो वो कोई एज नहीं होती। जैसे कि इसको उसके घर वाले धकेल रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली अपने घर के 16-17 साल के बच्चों को कैमरा होल्ड करके कॉन्ट्रोवर्सी का जवाब देने के लिए नहीं भेजते, खुद जवाब देने आ जाते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं भेजते। लेकिन यहाँ पे बच्चे को भेजा जा रहा है, बच्चा शायद खुद भी एक्साइटेड है ये सारी बातों के जवाब देने के लिए। अगर गुस्से से बात नहीं बनी, तो बच्चा आज रोते हुए आया, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं भटक गया है। सोशल मीडिया सपना के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि उसके घर की रोज़ी रोटी यहाँ से चलती है, उसके बच्चों का भविष्य यहाँ से चलता है। लेकिन अंशु के पापा एक ज़मींदार हैं, अच्छा खासे करोड़पति हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, उनका घर नहीं चलता होगा शायद सोशल मीडिया से। तो अपनी बेटी को ही सोशल मीडिया की कॉन्ट्रोवर्सी से शायद पेरेंट्स को दूर रखना चाहिए, और अंशु को खुद भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। और सवाल जो पूछा था, अगर उसके जवाब नहीं देना था, तो फिर कुछ भी नहीं बोलना था। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे कि मैं वीडियो ना बनाऊं, भाभी के नाम पे वीडियो तो मैं छापूंगी। अब वो बोल के उन्होंने भी अपना मन हल्का कर दिया। भाभी को लोग बोलते हैं, अरे ये तो साइको हो गई, ये तो पागल हो गई, देखो जब आ जाती है जब आती। भाभी तो है चलो पागल, उस इंसान के दो दो पति गए हैं, घर से आज बाहर है, दो बच्चियां हैं, वो तो औरत पागल होगी, लेकिन ये 16-17 साल की लड़की को क्या हो गया, ये क्यों चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ये क्यों टॉलरेट नहीं कर पा रही है, इसके पास तो अच्छा खासा हंसता बसता घर है,
बचपना है, खेले बच्चों के साथ, खेले अपनी एज के बच्चों के साथ खेले, है यूट्यूब से बाहर की दुनिया जिए। लेकिन नहीं, सारा दिन यूट्यूब पे बैठना, देखना, उसके बाद सोचना, तैयार करना, फिर आना, फिर सारी प्लानिंग में दिमाग इतना ख़राब करोगे तो पढ़ाई में फोकस कैसे करोगे, इन्हीं फैमिली पॉलिटिक्स में पड़े रहोगे और चलता रहेगा काम। सपना की मजबूरी है चैनल चलाना, लेकिन इस बच्चे की मजबूरी नहीं है, ये अपना पढ़ाई करे वो इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चलिए, जब घर के बड़ों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप और हम तो सिर्फ यहाँ से गाइडेंस ही दे सकते हैं। लेकिन यस, कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी करके चले जाना है। चलिए देखते हैं इस पर सपना का कोई जवाब आता है या फिर पड़ोसी की वीडियो की तरह सपना इनकी भी वीडियो को वापस से इग्नोर करती है, क्योंकि बातें तो ये बहुत पिंचिंग वाली करके गई हैं और सपना कहाँ बर्दाश्त कर पा रही है। वो तो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मल व्लॉगिंग करती है, और वो जैसे ही नॉर्मल व्लॉगिंग करने लगती है, दो तीन दिन उसके नॉर्मल व्लॉग आते हैं, तब तक वहाँ से कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल व्लॉग आ जाते हैं। जैसे ही नॉर्मल रूटीन में आती है वैसे ही हो जाता है, और फिर उसकी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो तो है ही मेंटली डिस्टर्ब इस वक्त पे, वो तो है ही, लेकिन ये लोग उसको बार बार ऐसी वीडियो बना बना के ट्रिगर करके और डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके बाद सपना ही ऐसी है। चलिए, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।